एन बी टी एडिटर इन चीफ तो जॉइंट डायरैक्टर नीरा जैन जी साढ़े नाल ने। सो एन बी टी का जिहड़ा विश्व पद्धरी मेला चल रहा वा 5 to 13 मतलब अज आखिरी दिन है वो साढ़े कोल हैगे ने, उन्हां नाल गलबात करांगे इस एन बी टी के पूरे मेले बारे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका मैम। थैंक यू, धन्यवाद जी। पंजाब से आए हैं हम बात करने के लिए कि इस मेले के बारे में थोड़ा समझा जाए, क्या हमें ये दो शब्दों में समझाएंगे ये मेला क्या है, अपने आप में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देश भर में ये रीत रही है कि एक मेला लगाए, हर कंट्री एक बुक फेयर ज़रूर लगाता है साल में। कुछ लोग सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बुक ये मेला लगाने के लिए ही डिवोटेड होती हैं, पर हमारे देश में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एक ऐसी संस्था है जो पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसका एक काम मेला लगाना है, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। ये मेला हर साल लगता है, पहले 2 साल में एक बार लगता था, लेकिन अब इसको एनुअल फीचर बना दिया है एनबीटी का, और हर साल जनवरी में लगता है। इस मेले में ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है, तो न्यू दिल्ली में ही लगता है, प्रगति मैदान में लगता है। इस बार जो मेला है उसमें थीम बुक्स फॉर रीडर्स विद स्पेशल नीड्स है, मतलब कि दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं। इस मेले में ये थीम हमने बड़ा सोच समझ के रखा है, क्योंकि इस सेक्टर पे कभी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। इस बार जो मेले में हमने ये थीम रखा है, इससे रिलेटेड हमने जितने भी इक्विपमेंट बुक्स हैं वो सारी डिस्प्लेड हैं, और हमने अपने आप में एक पहल की है कि हमने ब्रेल में किताबें छापी हैं 250 के करीब, उसका कैटलॉग भी बनाया है नॉर्मल लोगों के लिए भी और जो देख नहीं सकते उनके लिए भी ब्रेल में मतलब। और ये इस थीम पर काम करते करते इतनी संस्थाएँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, जितने भी दिव्यांगजन हैं वो भी जुड़ गए हैं, और संस्थाओं को तो हमने इनवाइट किया ही है कि वो आएं और मेले का लाभ उठाएं, थीम में जो प्रदर्शनी लगी है उसको देखें। इंडिविजुअल्स जो किसी भी डिसेबिलिटी से के शिकार हैं उन वो भी सब आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और वो आकर अपना अपना थीम के बारे में बहुत ही हमारी सराहना कर रहे हैं कि इस टाइप का पहली बार देश में हुआ है कि एक जगह पर सभी डिसेबिलिटीज़ को एक तरीके से अभिव्यक्ति की गई है। अच्छा, जो इन लोगों के लिए कोई थोड़ा आइडिया होगा भी कितनी किताबें है अलग अलग लैंग्वेज में हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ कि ब्रेल लिपि में कितनी किताबें आई है जो आपने देखी होंगी? ब्रेल लिपि में बहुत ज़्यादा किताबें तो नहीं आई हैं, पर जैसा मैंने कहा हमने पहल की है और हमने इंग्लिश हिंदी के अलावा 5 भारतीय भाषाओं में भी किताबें निकाली हैं, वो सारी डिस्प्ले में हैं, जैसे मराठी, कन्नड़, तमिल, गुजराती और एक और भाषा है मेरे को अभी याद नहीं आ रही जी। अच्छा, ये इनके ये कार्यक्रमों का क्या स्वरूप रहा जो आपने दिव्यांग लोगों के लिए किए, किस तरह के प्रोग्राम थे? हमने थीम में ही हमेशा एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे हम थोड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं और कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। तो इस बार थीम हमारा अलग था, तो इस पर हमने काफ़ी चर्चाएँ की हैं, जैसे उसमें सोनल मानसिंह जी भी आई हैं और अनंत विजय जी भी थे और भी बहुत सारे विद्वान और जो डिग्निटरीज़ हैं उन्होंने विज़िट किया है। और एक और आपने क्वेश्चन पूछा क्या? हाँ, मैंने ये कहा ये जो टोटल हुआ है किस तरह के प्रोग्राम थे उन लोगों के? हाँ, और प्रोग्राम्स में हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑटिज़म वाले बच्चे उन्होंने आके म्यूज़िक पे डांस तक प्रेजेंट किया है। अच्छा। तो हमें लगता है कि हमारा थीम सार्थक हो गया। बहुत अच्छा। एक मैं नीरा जी, यहाँ ये जो मेला है ये सिर्फ एक मेला नहीं होता था, क्योंकि 12 से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ हमने देखा था कि अलग अलग कल्चर एक्टिविस्ट आते थे, अपना गान बजान करते थे, है ना? तो उसके बाद वो थोड़ा कम हुआ क्योंकि एक तो जगह की शायद थोड़ी कमी है, वो फिर ये यहाँ एक बुक फेयर हुआ करता था भी, मतलब काफ़ी लोग हमें दिखते थे भी किताबों वाले आगे
आपसी संवाद होता था, है ना, लोग बैठते थे, डिस्कशन होते, अब भी डिस्कशन हो रही है, पहले से थोड़ी कम लगी भी, मतलब लगातार किताबों पर चर्चा होनी, वो सिलसिला थोड़ा सा कम लगा। दूसरा, कुछ ऐसे भी रहे प्रकाशक जिनको जगह नहीं मिल पाई क्योंकि शायद रेट ज़्यादा हो गए, इसका क्या कारण है? नहीं, रेट की कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं पूरे प्रगति मैदान में पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमें स्पेस लगभग आधी मिली है जो नॉर्मली मिलती थी, उसके हिसाब से हमने स्टॉल्स लिए हैं। अब सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते जब स्पेस कम है, और मेरा मानना है कि आपके साथ मैं इस बात में एग्री नहीं करूँगी कि प्रोग्राम कम हो रहे हैं। मेरा मानना है कि हम प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 250 प्रोग्राम तो खाली NBT ही कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम प्रोग्राम करते हैं, एक मैंने थीम का आपको विस्तृत तौर पे बताया, और लेखक मंच है, ऐसे ही ऑथर्स कॉर्नर है इंग्लिश में, और बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, और फिर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो पठन रुचि है इसको जब जागरूक करना है तो हमें सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके संजो के तभी लोगों के आगे पेश करें, तो कल्चर से लेकर एजुकेशन तक यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। मैं परसों का आया हूँ इसको कवर करने के लिए, कुछ ऐसे छोटे जो पब्लिशर मुझे मिले थे, उनका कहना था कि पहले हम स्टॉल लगाते थे, थोड़ा रेट भी ठीक होता था, तो इस पर रेट इनका बढ़ गया, जिस कारण हम एक तो स्टॉल नहीं लगा सके अपनी, है ना, क्योंकि NBT हमेशा छोटे पब्लिशरों को उत्साहित करता रहा है। इस पर मतलब वो नहीं, बल्कि इस पर जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं उनके स्टॉल काफ़ी बड़े हो गए, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो बुकिंग पर डिपेंड करता है कि जिस किसने कितने बुक किए हैं, कितनी जल्दी आया है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। और जो जहाँ तक पैसों की बात है, वो अब ITPO हमारे से इतना रेंट भी लेता है, हालांकि वो हमारा कोलैबोरेटर है, तो हमारे को कहीं ना कहीं तो उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे हम ना देख रहे थे, परसों से मैं देख रहा था, परसों से जब मैं आया हुआ हूँ, कि हम एंटर होते हैं, है ना, एंटर होते हुए पहले होता है भी आप बहुत अच्छी अच्छी किताबों के लगे होते थे, राइटर्स का लगा होता था, इस बार जो हमें नहीं देखने को मिला कि कई बड़े बड़े साधुओं के पोस्टर लगे हुए हैं, बोलती हुई गीता है, भजन हो रहे हैं, है ना, तो फिर किताबें भी बिक रही है, हमें ये नहीं समझ आया मुझे कि यहाँ साधु बाबा का क्या काम हो गया। नहीं, वो इंडिविजुअल पब्लिशर्स का है। अच्छा। वो बुक करेंगे तो अपना लगाएंगे। अब इस बार देखिए, गेट से एंट्री भी सिर्फ 1, 8 और 10 से है, तो सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब जगह कंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसलिए मतलब प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, इतने ऑथर्स की हम जैसे नॉर्मली करते थे सजावट, वो नहीं हो पा रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अच्छा, एक नीरा जी बात ये है कि हम ना जब ये पूरा मैंने देखा, खासकर 12 नंबर एक आकर्षक आपका वो गेट है, वहाँ मैंने देखा कि लगभग कई लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज के भी है, हिंदी के सिवा हम देख सकते हैं, इंग्लिश का अलग है, इसमें हमें जो देखने को मिला, जैसे ये NBT की एक परंपरा रही है, अच्छा साहित्य छापना, प्रोग्रेसिव साहित्य छापना, अब हम और NBT एक सरकारी अदारा है, वो सरकारी अदारा है जो उस सरकारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है जो हमें सेकुलरिज्म की बात करता है, जहाँ कहा गया कि पहले गणेश आरती से ही शुरू हुआ था पहला दिन, हाँ ठीक है, गणेश आरती से होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई एक धर्म का थोड़ी ना है गणेश जी, यहाँ तो सभी धर्म आते हैं, फिर एक धर्म की आरती से क्यों शुरू हो? दूसरी बात ये कि जितने साधु बाबाओं के लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, कोई आपको ना पुड़िया दे रहा है, कोई आपका हाथ देख रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, क्या ये मतलब बुक्स है इसमें ये सामान बेचने वाले कैसे आ गए? नहीं, हम लोग उनको बुकिंग नहीं देते हैं, और उनकी बुकिंग है, उनकी है, मैं खुद भी सामान खरीद के आया हूँ उनसे, तो फिर आप हमें बताइए, हमारी नॉलेज में लाएंगे तो हम उनको डिस्करेज करेंगे। जैसे अच्छा, दूसरी बात है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो लोगों को सद्भावना की बात करते हैं, जैसे आप सनातन संस्था का लगा हुआ है, वो अपनी ऐसी किताबें लाता है, वो शरिया में एक खास जो रिलीजन है उसके विरोध में प्रचार भी कर रहा है, हमने भी उसको रिकॉर्ड किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लव जिहाद ऐसी किताबें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं कहता कि हम किसी और, हम अपनी बात रख सकते हैं लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी और वर्ग के खिलाफ, किसी और धर्म के साथ कूट प्रचार की इजाज़त नहीं देता, पर वहाँ सब हो रहा है। नहीं, ये तो प्राइवेट पब्लिशर्स की अपनी पब्लिकेशन है, हम लोग उनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप क्या रख रहे हैं, जो भी मतलब आपत्तिजनक है
वो हम डिस्करेज कर। आपत्तिजनक है, जैसे लव जिहाद का है वो आपत्तिजनक है, मुस्लिमों के उल्ट है कि मुस्लिम कैसे ये करते हैं वो करते हैं, वो आपत्तिजनक है। हाँ, अपना विचार रखिए, अपने हम हिंदू धर्म के प्रचार को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सिख भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, आपके मुस्लिम भी लगे हुए, सर्वधर्म आपने बना रखा है। का ये मकसद नहीं है कि हम किसी लड़ाई झगड़े में पड़े और हाँ, इसीलिए तो फिर उन पर बैन होना चाहिए फिर उन, वो तो वो डिस्करेज करते हैं हम, बट अगर किसी की कोई पब्लिकेशंस है उसको नहीं हम रोक सकते, चाहे वो कैसे भी प्रचार करे, किसी भी तरह का नफरत का प्रचार करे, जो पर्सनल वो है। जैसे हमारे आप देख लीजिए जितने फोरम्स हैं, जैसे लेखक मंच है, साहित्य मंच है, उसमें आप इस टाइप का कोई भी साइन कोई डिस्कशन नहीं। एनबीटी की एक परंपरा है, वो भारतीय संविधान के अंदर चलता है और चलने वाली अदारी है। हमारा ये वो सनातन वो संस्था है जिनके हमारे कुछ विद्वानों के कत्ल में भी नाम आता है, हालांकि पुख्ता नहीं हुआ अभी, फिर शक है। क्या हम ऐसी जो एक्टिविटी करने वालों को स्पेस दे सकते हैं? नहीं, हम एक्टिविटी इनकी एंटरटेन ही नहीं करते ना, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग सिर्फ पुस्तक संस्कृति के उन्नयन के लिए ये संस्था बनी थी और हमारा ध्यान उसी तरफ है। अगर कोई प्राइवेटली अपने आप कुछ करता है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कल कहा कि हमने ना गाना गाना था, भगत सिंह का गाना गाना था, वो हमें गाने नहीं दिया है ना। ये जन चेतना वालों ने बोला है, जन चेतना का एक स्टॉल लगा हुआ है, इंडिविजुअल्स को आप लेके नहीं गाने दिया। अच्छा नहीं, एक मिनट मैम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जबकि कीर्तन वाले वहाँ कीर्तन गा कर रहे हैं, भजन वाले भजन गा रहे हैं, फिर वो भगत सिंह का गाना 12 नंबर पर देखिए आप, हमने रिकॉर्ड किया, आप भी गा रहे होंगे, अब भी गा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, नहीं। अच्छा। हमारे मंच पे नहीं होता है सब, पता नहीं। एनबीटी के 12 नंबर पे आप जाके देखिए, बोलती हुई गीता, इसके तरह खुद डिस्प्लेड होंगे वो, उनकी अपनी वो सोच। अच्छा, कई साधु लोग खुद भजन कर रहे हैं, जो बड़ा आप पाठक भी बोल रहे हैं कि हमें ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जब हम किताबें देखते हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। चलो, कोई बात नहीं। इसी तरह हमने ये देखा कि जो किताब ये है, एक थोड़ी घटना हुई थी कि एक मुस्लिम पब्लिकेशन पे कोई बंदे आ गए थे, जबरदस्ती मेरे से मत निकलवाइए, ये मुस्लिम हिंदू हम लोग इसमें नहीं बिलीव करते, हम सिर्फ करते नहीं पब उन्नयन के लिए। पर उसमें एक घटना वापरी थी, उन्होंने कहा कि तू मैं हुई, तो फिर एनबीटी ने वो किया, ये क्यों हो रही है? नॉलेज में नहीं आया तो हम लोग नहीं आया, पर उन्होंने कहा कि हम एनबीटी की नॉलेज में लाए थे। नहीं, हमारी नॉलेज। चलो छोड़िए इन बातों को, टोटली आम लोगों पे क्या प्रभाव रहता है, कि पुस्तक कल्चर को बढ़ावा देने में क्या योगदान है इस मेले का? इस मेले का बहुत योगदान है। एक तो लोग आते हैं, किताबों से डायरेक्ट उनका देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, खरीदते हैं, बहुत बहुत परचेजेस होते हैं, तो एक मैसेज जाता है पूरे पब्लिक में कि हाँ, किताब एक महत्वपूर्ण वस्तु तो नहीं कहूँगी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और हमें किताब पढ़ने से काफ़ी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। कमाल की चीज़ है नीरा जी, कितने पाठक आते हैं ना, हिंदी वाले लेखक रोते हैं कि हमारी किताब 1000 से ऊपर नहीं कोई छपती है ना, जो बिकती नहीं, पर हाँ जहाँ जहाँ कितने पाठक आके, मुझे लगता है जहाँ तो लाखों के हिसाब से बिकती होगी। हाँ, लाखों के हिसाब से। फिर ये चक्कर है कि जहाँ तो वो लेखक अभी तक भी हमारे जो असली पाठकों से जुड़े नहीं है ना, इसीलिए वो भी हो सकता है, इसीलिए हम मेला लगाते हैं कि हमारे लेखक असली पाठकों से जुड़े। जितने आपने क्या खरीदा इस मेले में से? मैंने एक योगी के ऊपर एक किताब है वो खरीदी है। कौन सी किताब है? अब लास्ट डे है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। अच्छा, वो अपने सीएमजी की। ओके जी। और आज लास्ट डे है तो आज हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि हम और परचेज कर सकें जी। अच्छा, आपका लिटरेचर में आपका इंटरेस्टिंग विषय कौन सा है? मैं इंग्लिश लिटरेचर की विद्यार्थी रही हूँ तो वो लिटरेचर में। इस बार फिर क्या खरीदेंगे आज के लास्ट वाले दिन में? देखती हूँ क्या नया है, क्या अवेलेबल है। आपने एक किताब तो पक्का खरीद ली मतलब है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। दोस्तों, सुई सवेर लोकपक्षी मीडिया द्वारा है, लोकपक्ष की स्पेस हमेशा बनी रहे, बची रहे, ते जेड़े मुतबादन सियासत में कवर करता वा, जेड़े मसले वड़ा मीडिया नहीं कवर करता, वो साड़ी कोशिश होंगी है कि उन्होंने कवर किया जाए। ये अदारा बिना किसी सरकारी कारपोरेट सहयोग तो जा ऐड तो चलता वा। साड़ा मानना कि जेकर लोकपक्ष के लिए काम होवे तां जिहड़ा लोगों का ही सहयोग लिया जाए। सो असी तुहानू गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं कि तुसी साडे मीडिया ग्रुप नू अपने वालों जिहड़ा सहयोग राशि देवो। साडा जिहड़ा अकाउंट है वो अकाउंट नंबर सामने लिखा हुआ वा, सो इत्थे तुसी जिहड़ा सीगा सानू जिहड़ा राशि दे के साडे मीडिया ग्रुप नू तकड़ा कर सकते हैं, तां जो कि असी होर बहुत सारे जिहड़े मसले ने साडे धरे धराए पए आ उहनां उत्ते भी आउंदे समें दे विच असी होर वधिया ढंग नाल जिहड़ा हैगा तुहानू जिहड़ी रिपोर्टिंग पत्रकारी अपनी करके दे सकीए।